हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, नया वीजा सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्दी, नया पूरा तरीका ही इसका अलग होगा, क्या है क्या नहीं है सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर से बहुत सारे नए नए वीजा रिफॉर्म्स हुए हैं, अपडेट्स हुए हैं, नए वीजाज ऐड हुए हैं। तो इसी में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज बोल सकते हैं, बहुत अच्छा स्टेप जीडीआरएफए वालों ने लिया है। तो जीडीआरएफए की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है, जीडीआरएफए की जो जनरल डायरेक्टरेट है, रजिस्ट्रार है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है रिसेंटली, और खलीज टाइम्स में भी आया है, खलीज टाइम्स को ही अनाउंस किया है और एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिखाया है। बहुत जल्द जीडीआरएफए की वेबसाइट में एक नया एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। क्या है ये एप्लीकेशन प्रोसेस? ये एप्लीकेशन प्रोसेस होगा आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन से आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, फेशियल जो बायोमेट्रिक है उसके थ्रू हम लोग रेसिडेंस वीजा बोलिए, स्पाउस वीजा बोलिए, किसी एंट्री परमिट बोलिए, या किसी को हम वीजा देके बुला रहे हैं विजिट वीजा, तो सारी चीजें हम घर पे बैठ के अपने स्मार्टफोन के जरिए विदाउट कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए, यानी कि पासपोर्ट या अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ भी नहीं दिखाने की जरूरत है। ओनली फेशियल बायोमेट्रिक के थ्रू पे हमारा वीजा रिन्यूअल का काम, वीजा आने का काम, स्पाउस को स्पॉन्सर करना है या फिर नए एंट्री परमिट्स निकालने हैं जिसमें स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ती है या पड़ती है, जो भी तरीके हैं, बहुत जल्द। उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है कि अक्टूबर में या नेक्स्ट ईयर, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं दिया, बट वो लोगों ने बोला बहुत जल्दी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी इसको लॉन्च कर देने की, और ये एक बहुत अच्छा अपडेट होगा यूएई रेसिडेंट्स के लिए, यूएई सिटीजन्स, यूएई रेसिडेंट्स। इस जो ऐप का बोलिए या फिर जो नया प्रोसेस है, इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। घर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे स्मार्टफोन के जरिए सारी चीजें हो जाएंगी, जैसा कि एयरपोर्ट में होता है, स्मार्ट गेट में जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे फेशियल बायोमेट्रिक से ही सारी चीजें होती है और वहां पे भी डॉक्यूमेंट शो करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भी लागू हो जाएगा और फेशियल बायोमेट्रिक के जरिए घर बैठे स्मार्टफोन से विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के हमको वीजा मिल जाएगा। तो है ना, बहुत अच्छी खबर। तो जस्ट वेट है कि कब ये लॉन्च होता है, कब ये शुरू होता है, ताकि इसका जो फायदा है पूरे यूएई वाले, यूएई सिटीजन्स हो गए, यूएई रेसिडेंट्स जो है इसका फायदा उठा सके। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई अर्जेंट क्वेश्चन हो तो प्लीज इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, क्योंकि यूट्यूब कमेंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी स्किप हो जाता है, फिर आप लोग ही बोलते हैं कि आप तो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो बहुत अर्जेंट है, प्लीज इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, वहां पे मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।